हेलो दोस्तों, यूट्यूब की दुनिया में आज हम लोगों का ये पहला दिन है। इस चैनल का नाम है करियर बूस्टर अररिया, जो आपको बेसिकली बैंक, एसएससी, रेलवे के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। इस चैनल के थ्रू आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जाए और कैसे कंसेप्चुअल स्टडी किया जाए, सारी बातें आपको बताई जाएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये चैनल और किस किस एग्जामिनेशन के बारे में देंगे। तो जैसा कि आपको बता चुके हैं कि बैंक, एसएससी, रेलवे, इसके अलावा सीडीएस, सीडीपीओ, स्टेट पुलिस की जितनी भी एग्जामिनेशन है, एयरफोर्स, ये सारे चीज़ों के डिटेल स्टडी पूरे कंसेप्ट के साथ आपको बताई जाएगी। इसके अलावा जो इस चैनल की एक खास बात है, स्ट्रेटेजी पे भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके आपको पॉइंट टू पॉइंट नोटिस करके बताया जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लगेगा अगर तो आप क्या करेंगे, इसे बेल आइकन को दबाएंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इससे हम लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन होगा और हम लोग अच्छी अच्छी वीडियो आपको पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज आपको बता दूं कि जिस तरह से एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलडीसी, काफ़ी वैकेंसी आजकल निकली हुई है, तो लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि कैसे तैयारी करें। बहुत सारे इंस्टीट्यूट अच्छे अच्छे चीज़ें प्रोवाइड कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो रहा है मार्केट में और लोग कन्फ्यूज कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हुआ था, लगभग 2.5 करोड़ लोग भरे थे इसे, और बहुत लोग, अच्छे अच्छे लोग भी इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए। इसका क्या रीज़न है? इसका ये रीज़न है कि ऐसा नहीं कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे, पढ़ने में अच्छे जरूर होंगे दोस्तों। सबसे बड़ा रीज़न है हमारा स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी कैसा हो, कैसे हम उस क्वेश्चन का अटैम्प्ट ले सके, कितना बनाए, किस किस क्वेश्चन को हम लोग लीव करें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको बता दें, एग्जामिनेशन जो सेट होता है क्वेश्चंस, वो सिलेक्शन के लिए नहीं, रिजेक्शन के लिए होता है। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए किन किन क्वेश्चन को हम लोगों को छोड़ना है और किन किन क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेना है। अब जैसा कि अगर हम एनटीपीसी की बात करें, आज इस वीडियो में बेसिकली हम एनटीपीसी के बारे में बता दें, तो एनटीपीसी का जो सिलेबस दिया हुआ है अभी, वो है मैथ्स 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, जीएस 40 क्वेश्चन। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोगों का जो एक बना हुआ है कि हमको मैथ्स का ट्यूशन तो लेना ही होगा, रीजनिंग का लेना ही होगा, जीएस के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, और ये जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक उनके इस रिजल्ट पे पड़ता है। मेरा ये कहना है कि अगर आप मैथ्स में समय देते हो, रीजनिंग में समय दो, तो जीएस में भी उतना ही दो, क्योंकि इसका वेटेज इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा है। आप मैथ्स में कम से कम इसको बनाने में आपको 20 मिनट लग जाएंगे, इसको भी बनाने में आपको 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, लेकिन अगर आप ये जीएस अच्छा कर लेते हैं तो 15 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट ले सकते हैं और आपके जो चांसेस है एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होने का, काफ़ी बढ़ जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि आपको जीएस में भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए। तो हम जो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि हम यहाँ जो इंस्टीट्यूट में जीएस टेस्ट लेते हैं वीकली, आपको वही क्वेश्चन आपको इस चैनल के थ्रू हम प्रैक्टिस करवाया करेंगे। एक एक क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको लाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों हम रीजनिंग का नहीं बताएंगे या फिर हम मैथ्स के आपको नहीं बताएंगे, सबको बताया जाएगा, सबको बारी बारी से आपको बताया जाएगा, लेकिन कट ऑफ को तक पहुँचने के लिए आपको इस पेपर को एनटीपीसी के लिए स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि हम किस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़े जिससे ये क्रैक किया जा सके इस एग्ज़ाम को बेहतर ढंग से। रेलवे 1/3 करती है नेगेटिव मार्क्स, इसलिए रेलवे में हमको ये ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नेगेटिव ना करें, कम से कम नेगेटिव करें, और वैसे क्वेश्चन को ज़्यादा अटैम्प्ट लें जो हमें कन्फर्म आता है। तो इस ढंग से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत जल्दी पता चलेगा कि आपका जो है रिजल्ट बेहतर होता जा रहा है और आसानी से आप एनटीपीसी को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज ज़्यादा मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ हम लोग देने वाले हैं। तो एनटीपीसी का जो स्ट्रैटेजी है हमारा ये है, आगे हम क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मैंने पहले भी कहा है, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, इसी के साथ आज की सभा हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।